हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सी टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम सी टेट 2021 का सिलेबस जो है हमारा CDP यूनिट फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, उसका सेकेंड क्लास आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्लास का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलपमेंट, विकास का विशेषता। ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आप ध्यान से इसको देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। विकास का विशेषता, विकास का क्या क्या विशेषता होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विकास जो है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह का होता है। ठीक है, तो दोनों तरह के विकास में क्या क्या चीज़, उसकी विशेषता क्या क्या है, तो हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे। विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। विकास जो है ये एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, मतलब ये जीवन भर चलने वाला प्रक्रिया है। विकास कब से स्टार्ट हो जाता है? अगर हम बात करें कि विकास जो है एक बालक में कब से स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो विकास है ये गर्भधारण से, जब बच्चा गर्भधारण लेता है और उसी समय से इसका विकास निरंतर चलते रहता है। और कब तक चलता है? जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक उसका विकास किसी ना किसी रूप में होते रहता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास जो है एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। ठीक है, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सेकेंड पॉइंट है विकासात्मक परिवर्तन। विकासात्मक प्रवर्तन प्रायः, यहाँ प्रायः लिखाएगा, कराया लिखा गया, तो विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थापक, प्रत्यागात्मक और नियमित होता है। विकासात्मक जो परिवर्तन है, जो विकास के कारण परिवर्तन होता है, वह एक व्यवस्थापरक है, नियमित होता है। ठीक है, ये नहीं कि विकास जो है अनियमित है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि विकास जो है ये व्यवस्थापक और प्रगतियात्मक या नियमित कैसे है। ठीक है, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वह क्या करता है, पहले वो इधर से उधर कलटना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे उठ के अपने आप को बैठना सीखता है, फिर घुसकना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो ये क्या है, एक तरह से पैटर्न वो फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि विकासात्मक परिवर्तन जो है एक व्यवस्थात्मक है, नियमित है, ये अनियमित नहीं है। ये आप कभी नहीं देखे होंगे कि कोई बच्चा पहले दौड़ जाता है फिर चलना सीखता है, नहीं। कोई भी बच्चा रहेगा, पहले वो चलना सीखेगा, उसके बाद ही वो दौड़ना सीखेगा। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकास का जो परिवर्तन है वो नियमित है, व्यवस्थापक है। ठीक है, या एक पैटर्न अनुसरण करता है। ठीक, थर्ड जो पॉइंट है, विकास की प्रक्रिया सतत होती है। तो यहाँ विकास की जो प्रक्रिया है ये कंटिन्यूअस होता है, कभी रुकती नहीं है। विकास किसी ना किसी प्रकार से बालक में होते रहता है। विकास की जो प्रक्रिया है वो सतत होती है, इसका मतलब है कि विकास, कुछ ऐसे विकास है जो कुछ ऐसे परिवर्तन विकास के कारण होता है जो बहुत तेज़ी से होता है, जो और हम सब उसको देख पाते हैं। जैसे कोई बच्चा का दांत निकलना, या तो फिर बच्चा में उसका जो शरीर का आकार बड़ा होता है तो हम लोग देख पाते हैं, सुस्पष्ट होता है, हम लोग सभी समझ जाते हैं हाँ बच्चा में विकास हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है ना। लेकिन कुछ ऐसे उसके परिवर्तन होते हैं जो कि हम लोग देख नहीं पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान से उसको समझ पाते हैं। जैसे बच्चे को हम
एप्पल का स्पेलिंग सिखा दिए, तो वो हम नहीं उसके अंदर देखते हैं कि इसको एप्पल का स्पेलिंग आ गया, इसका मतलब इसका विकास आ गया। हम समझ पाते हैं, फील कर पाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं विकास की जो प्रक्रिया है वो सतत होती है, ठीक। और फोर्थ पॉइंट है, विकासात्मक परिवर्तन बहुआयामी और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि विकासात्मक जो परिवर्तन है ये बहुआयामी होता है, कोई एक क्षेत्र में ही परिवर्तन नहीं होता है, बहुआयामी होता है, बहुत सारे क्षेत्र में और ओवर डेवलपमेंट होता है, सभी क्षेत्र में इसका परिवर्तन देखने को मिलता है। और जब सभी क्षेत्र में होता है तो उसका जो संबंध होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। मान लीजिए कि बच्चा जो है पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो वो स्वाभाविक बात है कि वो बच्चा अच्छा से बोल लेता होगा, अच्छा से लिख लेता होगा, है ना। तो इस तरह से कहा जाता है कि विकासात्मक परिवर्तन बहुआयामी होता है और एक दूसरे से जुड़ा होता है। मतलब अगर एक पक्ष उसका जो है प्रभावित हो रहा है तो दूसरा पक्ष भी प्रभावित होगा ही होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो उसका हेल्थ पे प्रभाव पड़ रहा, और हेल्थ के प्रभाव के कारण वो बच्चा का जो है लर्निंग प्रक्रिया में भी रुकावट आएगी, बाधा आएगी, वो जल्दी सीख नहीं पाएगा, वो इफेक्टेड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकासात्मक जो परिवर्तन है वो बहुआयामी है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास बहुत ही लचीला होता है। सचमुच में विकास जो है वो बहुत ही लचीला होता है। अब लचीला का मतलब क्या है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में वो क्या हुआ, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बहुत अच्छा सुधार कर रहा है, ठीक है। एक अच्छा परिवेश और शारीरिक शक्ति, स्मृति, बुद्धि स्तर, वो सुधार ला सकता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि विकास जो है बहुत ही लचीला होता है, यानी जब हम बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं तो कोई बच्चा मैथ में बहुत कमज़ोर होता है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, उस पर हम फिर ध्यान देते हैं और उसको डायग्नोस करके रिमेडियल टीचिंग देते हैं। दैट मीन्स कहने के मतलब उसका कमी को हम जानते हैं कि वो क्या चीज़ में उसे कमजोरी है, क्या चीज़ वो समझ नहीं पाता है। और जब वो हम पकड़ लेते हैं कि अच्छा ये बच्चा जो है ये चीज़ में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम अच्छी तरह से ध्यान दिलाते हैं और अच्छी तरह से उसको समझाने की कोशिश करते हैं, और अगला विक देखते हैं कि वो बच्चा उस क्षेत्र में अपने आप को इम्प्रूव करता है, उसमें सुधार लाता है। तो विकास जो है बहुत ही लचीला होता है, इसको हम सुधार सकते हैं, ठीक है। जैसे हम सभी जब कोई एग्ज़ाम देते हैं तब एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते हैं कि हम अपना कमी को जानने की कोशिश करते हैं, और जब हमारा कमी निकल जाता है तब उसी पर हम काम करते हैं और अगला जो टाइम आता है और उसमें हम सक्सेस हो जाते हैं। तो विकास जो है बहुत लचीला होता है, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट है, विकासात्मक परिवर्तन सापेक्षतया स्थिर होता है। अब विकासात्मक जो परिवर्तन होता है वो एक स्थिर होता है। जैसे अब देखिए कोई बच्चा जो है बच्चा ठीक ठाक है और वो क्या हुआ कि मौसम खराब रहने के कारण या थकान होने के कारण उसको थोड़ा लेजी सा महसूस हो रहा, तो वो लेजी से महसूस होने के कारण उस दिन अपना स्टडी नहीं किया। तो ये जो है उस दिन वो अपना स्टडी नहीं करेगा, लेकिन दूसरा दिन जब भी उसका मन ठीक होगा वो स्टडी करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो परिवर्तन होगा कि ये विकास है, इसके अंदर विकास हो रहा है, और ये बच्चा जो है इसका नेगेटिव विकास हो रहा है कि ये लेजी होते जा रहा है, तो इस परिवर्तन को हम विकास के अंदर नहीं डालते हैं। मौसम के कारण या कोई आकस्मिक
कारणों से या थकान के कारण जो उसमें अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसको हम विकास के श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो विकास जो है वो हमेशा स्थिर होता है। विकास का मतलब जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आपका बिहेवियर में चेंजिंग आता है तभी हम उसको विकास कहते हैं। ठीक है, तभी उसको हम लर्निंग कहते हैं। तो इसी तरह से जो विकास है वो विकासात्मक परिवर्तन सापेक्षतया स्थिर होता है। इसका जो परिवर्तन विकास के कारण जो हमारे अंदर परिवर्तन होता है वो स्थिर होता है, ना कि अस्थिर। ये नहीं कि आज हमारे अंदर विकास में जो विकास के कारण जो परिवर्तन वो आज देखने को मिला और दो तीन दिन के बाद खत्म हो गया। ऐसे विकासात्मक परिवर्तन को विकास का परिवर्तन नहीं कहते, ये अस्थायी परिवर्तन है और इसे विकास के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ठीक है, 8 पॉइंट है और आज का लास्ट पॉइंट है, विकासात्मक परिवर्तन की दर अथवा गति में व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। ठीक है, विकासात्मक जो परिवर्तन है उसका गति में व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। तो विकासात्मक परिवर्तन और गति में व्यक्तिगत अंतर हो सकता है, तभी तो आज सभी एरिया में एक से एक आदमी है। अगर विकासात्मक परिवर्तन या दर अथवा गति में अंतर नहीं होता तो सभी का सभी आदमी एक ही एरिया में चला जाता। विकासात्मक परिवर्तन का गति और दर में अंतर होने के कारण कोई बहुत हाई लेवल पर चला जाता है, कोई मीडियम लेवल पर रहता है और कोई लोएस्ट लेवल पर रहता है। एक क्लास की ही हम बात करते हैं कि जब हम क्लास में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर ढेर सारे बच्चे होते हैं और वो जो बच्चा होता है सबको एक टीचर ही सेम टीचर ही पढ़ा रहा, लेकिन जब पढ़ाने के बाद वही क्लास में कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं और कुछ बच्चे मीडियम करते हैं और कुछ बच्चे एकदम लॉस्ट करते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक विकासात्मक परिवर्तन का दर शो करता है कि इसका जो दर है, इसका जो गति है वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है, ये व्यक्तिगत अंतर होता है। ठीक है, अपने अनुसार बालक जो है उस चीज़ को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकासात्मक परिवर्तनों की जो दर होती है और गति होता है उसमें व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। ये नहीं कि सभी का विकासात्मक परिवर्तन एक समान होता है, नहीं, सभी में विकासात्मक जो परिवर्तन होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग गति से होता है, अलग अलग दर से हो सकता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।